इसको चला दो। अरे बस ये स्क्रीन थोड़ा सा कौन सा क्वेश्चन थोड़ा नीचे लाइए। चल लाइव हो गया है, आप थोड़ी तकल को दिखाते रहिए। अपडेट होने लगा तब तक आप मोबाइल लगा शुरू कर। चलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। एक ज़बरदस्त सेशन आप लोग के साथ होने वाला है जिसमें हम लोग नीट 22 का डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ओमेगा इंस्टीट्यूट। और यार उम्मीद करते हैं पेपर अच्छा ही हुआ होगा क्योंकि काफ़ी हद तक पेपर कंटेंट बेस्ड था, एनसीईआरटी बेस्ड था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी नोट्स बेस्ड क्वेश्चन थे। यानी मैं ये मानता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन नोट्स के बाहर हो। और ये सबसे अच्छा चेक तो एक स्टूडेंट ही कर सकता है क्योंकि दावा तो हर कोई इस वक्त कर रहा होता है कि मेरे ही नोट्स से सब कुछ है, लेकिन एक स्टूडेंट को ज़रूर पता होता है कि क्या है हकीकत में क्या नहीं। तो एज़ यूजुअल मेरा यही कहना है कि जो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ रखी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बहुत पॉजिटिव स्कोर के साथ हम लोग चल रहे हैं, तो वो तो इस बात को डंके की चोट पे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कंटेंट ही, पूरा का पूरा पार्ट ही नोट से आया हुआ है। तो स्टूडेंट बिल्कुल शॉकिंग वे में नहीं, हम लोग को बहुत रॉकिंग वे में चलना है क्योंकि काफ़ी बेहतरीन अप्रोच के साथ हम लोग एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि आखिर नीट के लिए केमिस्ट्री पार्ट कैसा गया। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स हमको मिल चुके हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, क्योंकि मतलब इंडिया भर में करीब 6000 के ऊपर बच्चे पढ़ रहे थे तो उनके सबका रिव्यू धीरे धीरे आ ही रहा है कि पेपर कैसा हुआ। बाकी कल तक तो अपडेट में रिव्यूज़ में आ ही जाएंगे कि कैसा कैसा परफॉर्मेंस गया हुआ है। तो अब तक के जो अब तक आउटकम्स आए हैं वो तो यही आया कि पेपर काफी हद तक बच्चों का मतलब स्कोर, इनका कहना है कि 43-44 क्वेश्चन तो सही हो रहे हैं मेजॉरिटी क्राउड के। तो आइए देखते हैं कैसा गया पूरा पेपर एक बार एक क्वेश्चन के वाइज मूव ऑन करते हुए। तो आइए ओमेगा के साथ आप कनेक्ट रहिए, आइए शुरू करते हैं कि कैसा केमिस्ट्री पेपर है। मेरे पास जो सेट है वो बुकलेट S2 है, तो बड़े शॉर्ट नोटिस में ही हम लोगों ने क्वेश्चन को ऐसे ही प्रोजेक्ट करा लिया है ताकि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना रहे। मैं कोड बोल रहा हूँ, टेस्ट बुकलेट कोड S2 है बेटा ये, तो S2 कोड के साथ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 51
गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स, यानी ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हार्डी शुल्ज़ रूल पे बेस्ड है। द कोएगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सॉल्ट, द फ्लक्चुएशन पावर ऑफ द गिवन आयन इन द ऑर्डर Al3+ Ba2+ Na+, यानी हार्डी शुल्ज़ कहता है कि जो कोएगुलेशन या फ्लक्चुएशन पावर है वो एक तरीके से वैलेंसी की पावर 4 पे डिपेंड कर रहा होता है। तो नेगेटिव कोलाइड के लिए पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन के लिए नेगेटिव वाले पार्ट की अगर मूव ऑन करें, यानी यहां पर आप ये कहोगे नेगेटिव सॉल है तो पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव सॉल है तो नेगेटिव आयन की वैलेंसी पे डिपेंड कर रहा होगा। यानी आप यहां कहोगे कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी 51 का ऑप्शन नंबर 3। ओके नेक्स्ट। ये एक बच्चे के टिक है, मेरे नहीं है बेटा। तो Which one is not correct mathematical equation for the Dalton's law of partial pressure? ये question 52 था, जहाँ P दे रखा है total pressure और of the gaseous mixture। तो पहला वाला तो Dalton's का relation होता है, हम लोग को चाहिए not correct, ध्यान रखिए हम लोग को चाहिए not correct। दूसरा पार्ट दे रखा है कि partial pressure of a ith component is equal to xi into pi naught, जहाँ पी आई नॉट इज द प्रेशर ऑफ आयत गैस इन द प्योर स्टेट। ये गलत है, ये गलत है, यानी आंसर सेकेंड पार्ट इज द इनकरेक्ट पार्ट। आगे मूव कर रहे हैं। ओके, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज नॉट करेक्ट। फिर से नॉट करेक्ट पूछा गया, अगेन अ पॉलीमर का क्वेश्चन है, क्लास में ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बेटा कोड S2 मैंने बोल दिया है, कोड S2 है, जो कोड है हमारे पास वो टेस्ट पेपर कोड S2 है। तो आप टेस्ट पेपर कोड S2 के साथ आप मूव ऑन करोगे। बोल रखा है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर, यार बिल्कुल क्लास का कंसेप्ट है, क्लास का क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है। कौन सा पॉलीमर यहाँ पर आप कह सकते हो कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट के साथ है? The thermoplastic polymer are capable of repeatedly softening and the hardening on heating and cooling respectively, जो कि बिल्कुल सही है। The thermosetting polymer are the reusable, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द इनकरेक्ट, क्योंकि thermosetting polymer अगर हीट करते हो तो वो फर्दर हार्ड हो जाते हैं, रीयूज नहीं कर सकते हो। ओके इसके बाद आगे मूव करते हैं 54 वाले क्वेश्चन पे। 54 वाले क्वेश्चन पे अगर हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ बताओ, अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव द मैक्सिमम लोन पेयर। यार इंग्लिश वाला पार्ट है, हिंदी वाला पार्ट तो अभी होगा नहीं, क्योंकि जिस बच्चे का पेपर है उसने इंग्लिश में अटेम्प्ट करके रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही लोगे। तो बोल रखा कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है जहाँ मैक्सिमम आपको दे रखा हो लोन पेयर इंट्रैक्शन रिपल्शन, जहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो लोन पेयर रिपल्शन वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ लोन पेयर ज़्यादा होंगे। तो अगर XeF2 की बात करते हो, तो XeF2 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर मैक्सिमम लोन पेयर आ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे मूव करते हैं, ठीक है चलो नेक्स्ट। इसके बाद 55 पे, अगर 55 वाले ऑप्शन की बात करते हैं, एक मिनट, वेट, ओके यहां पे अगर बात कर रहे होते हैं 55 वाले पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि यहां पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होगा। तो आपसे बोला गया आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाई मेटल डिक्रीज, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कलाई मेटल रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन KO2 इज +4। पोटेशियम का +4 कैसे हो सकता है? यानी ऑप्शन नंबर 4, 55 वाले पार्ट पे जाओगे तो ऑप्शन नंबर 4 आ रहा होगा। ठीक है चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट 56 वाले पे मूव ऑन करते हैं फटाफट। 56 वाले पे हाँ, क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। ये ऑर्डर दे रखा है यार, H2O सबसे कम, कैसे H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, तुम्हें तो आना आगे आना पड़ेगा। H2O का एक मॉलिक्यूल तो 4 मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है, तो H2O तो हो नहीं सकता, तो H2O का तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट गलत है। द
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मोलर मास। ये भी टेक्निकली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तो स्टेटमेंट टू में अगर आप वाटर की बात कर रहे हो तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, हाँ बाकी सबके लिए रहेगा। तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट टू भी क्या दे रखा है, इनकरेक्ट। तो एज पर मी बोथ आर इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे मूव करते हैं 57th क्वेश्चन पे। चलो क्विक, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर, यार 119 है, 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 9 के लिए एनियम, साथ में आपको ईएम लगाना पड़ेगा बेटा, बस सिंपल सा पार्ट, 1 के लिए अन, अगले 1 के लिए फिर अन, और 9 के लिए आ रहा होगा अनियम, यानी ऑप्शन नंबर 3, 57 का 3। नेक्स्ट 58 वाले पे गए, 58 काफी ज्यादा लिखा हुआ क्वेश्चन में, कोई बात है नहीं खास। द गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, यहाँ बोल रखा है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन द फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो ग्रुप फिनॉल होते हैं उनमें नाइट्रो ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन्फ्लुएंस लग रहा होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा और पैरा विल हैव द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द फिनॉलिक रिंग। यानी सबसे खास बात की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन और एक दूसरा आ रहा होगा स्टेटमेंट टू। तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू की अगर बात करें, स्टेटमेंट वन करेक्ट है और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। तो आप यहाँ कहोगे स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, यानी 58 का ऑप्शन गया नंबर वन। आगे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट, Which among the following is the incorrect statement? कौन इनमें से incorrect है? तो अगर इस वाले पार्ट की ओर मूव करें तो H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, भाई हाइड्रोजन के पास H2 होता है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। ऑक्सीजन की अगर बात करते हो तो O2 में होते हैं 16, 16 से एक जाएगा तो 15 बचेगा, और 15 बचेगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी पैरामैटिक होगा, डायमैटिक नहीं होगा। आंसर 2 इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी इनमें से कौन इनकरेक्ट है, आंसर O2 प्लस आयन इज डायमैटिक, ये इनकरेक्ट है। क्विक क्विक क्विक, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, स्पीड में सॉल्व कर रहे होंगे क्योंकि एज सच पेपर मोड में ऐसे ही सॉल्व करना है। विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमैटिक कंपाउंड, एरोमैटिक के लिए आपके पास साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर के लिए sp2 होना चाहिए। ये देखो कौन सी साइट आ रही है, ये देखो कौन सी साइट आ रही है, तो sp3 साइट आ रही है, आंसर 2, 60 का 2 आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी हैं, दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी हैं, और आपसे पूछा गया बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं इसका कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, यहाँ कंसेप्ट आपके साथ क्या करना है, देखो ये आपको बोल रखा है कि विल द MnO4 लिबरेट O2 फ्रॉम द वॉटर, यानी आप बताओ यहाँ पर ये इसको लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये कहता है कि देखो अगर आपको लिबरेट करा रहे हो तो आप इस इक्वेशन का इंतजार कर रहे हो, MnO4 माइनस प्लस वाटर विल गिव, आप इसका इंतजार कर रहे हो, आप इंतजार इसका कर रहे हो, ये आप इस फॉर्मेट का इंतजार कर रहे हो, आपके पास ये बेसिक इक्वेशन है। तो ये देखो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ओके, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यानी आप देखो E0 सेल, तो E0 सेल का फॉर्मूला हुआ E0 RP ऑफ कैथोड माइनस E0 RP ऑफ एनोड, खत्म। आरपी ऑफ कैथोड कितना दे रखा है, आरपी ऑफ कैथोड माइनस 1.15, ध्यान से ये आ रहा -1.1510। और अगर आप यहाँ पर इसकी बात कर रहे हो तो ये वैल्यू आ गई माइनस में -1.223, भाई सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू -2.733 के आसपास आ रही होगी, तो नो आएगा, नो, ये माइनस है, ये वाला पार्ट E0 RP की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 1.223, तो 1.223 प्लस में है, यहाँ माइनस माइनस टोटल वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में आ गई, -2.733 आएगा आंसर। नो नो नो, नहीं कर सकते। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, ये रहा कंसेप्ट, आपको ये देखना है कि लिबरेट करेगा नहीं करेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि E0 सेल पॉजिटिव आना चाहिए, अगर E0 सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन अगर करेगा, E0 सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन अगर नहीं करेगा। तो MnO4 माइनस प्लस वाटर की रिएक्शन करा के Mn2 प्लस हाफ O2 बना दो, ये रहा रिडक्शन और ये रहा ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन होगा वो कैथोड बनेगा और जो ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड बनेगा। तो E0 सेल की वैल्यू हो गई E0 RP ऑफ कैथोड माइनस E0 RP ऑफ एनोड, वैल्यू पुट की यहाँ माइनस के साथ और यहाँ माइनस के साथ, पूरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। E0 सेल अगर नेगेटिव आएगा तो सेल रिएक्शन नहीं करेगा। चलो ठीक है, फ्लो रखो।
थके हो गए आप लोग, पहले से पता है ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, लेकिन फटाफट पूरा डिस्कशन हम लोग कर जाएंगे। अगला IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पूछा गया इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा। तो अगर देखते हो इस वाले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, तो पहला वाला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा वाला एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो पहले वाले में तो H2O है, तो डाई एक्वा सिल्वर 1, कोई दिक्कत नहीं, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, बिल्कुल सही, 62 का 2 आंसर, टड़क 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 62 का 2। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, गुड, शाबाश। 63 क्वेश्चन पे आओ, 63 पे चलो। बोल रखा है गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट प्राइमरी एलिफैटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिनॉल पे डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनता, अल्कोहल बनता है। अगर प्राइमरी अमीन रिएक्ट करते हैं HNO2 के साथ, तो वहां पे अल्कोहल बनता है वाया द कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, आपको मैंने क्लास में पढ़ा रख चुका हूं मैं। और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। भाई साहब 5 डिग्री सेल्सियस से पानी निकल, पानी हमला कर देता है, अगर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया तो फिनॉल आंसर आएगा। अगर 5 डिग्री सेल्सियस 0 से 5 के ऊपर टेम्परेचर या, तो डाइजोनियम सॉल्ट की जगह फिनॉल आंसर आएगा। फिनॉल आंसर का मतलब स्टेबल नहीं होंगे, यहां लिख रखा है स्टेबल इवन बिलो। तो बेटा तुम पहले वाले तुम करेक्ट हो और दूसरा वाला इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन हमारे हिसाब से गया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यानी प्राइमरी एलिफैटिक अमीन जब होगा तो अल्कोहल बनेगा, और एरोमेटिक अमीन अगर लेते हो तो 278 केल्विन के ऊपर अल्कोहल, वहां पर फिनॉल बनना तय है, 278 केल्विन के ऊपर फिनॉल बनना तय है, दैट इज अ पार्ट। चलो 64 बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो यार B2SC की बात करो, कैसा बच्चों वाला क्वेश्चन है। टिंग टिडिंग 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 टिंग टिडिंग, ये HT, ये HT, ये HT, ये HT, ये HB, ये HB, ठीक है। चार टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन एटम लाइन द सेम प्लेन, बिल्कुल सही है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आ रहा होगा ना, इसमें ये दोनों बोरॉन और ये चार हाइड्रोजन टर्मिनल वाले, ये तो लाइक करते ही करते हैं। बोथ द बोरॉन एटम आर sp2, गलत, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। बोथ द बोरॉन एटम आर sp2, गलत, यानी नॉट करेक्ट बोल रखा आंसर 2। देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नॉट करेक्ट पूछ रखा है, यहां पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यही तो ब्राना बॉन्ड होती है, तो करेक्ट है। नीचे वाला 4 टर्मिनल बॉन्ड हाइड्रोजन आर 2 सेंटर 2, ये भी सही है यार, ये जो बॉन्ड होती है ये तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होती है, ये भी अपनी जगह ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, 64 का सेकंड इज अ इनकरेक्ट, sp3 आंसर होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो कम ऑन, टिंग 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 टिंग, चलो आगे बढ़ो। 65, इनमें से कौन सा यहाँ पर करना है, साइनोहाइड्रिन, यार SCN के साथ आता है, याद है ना सबको, साइनोहाइड्रिन SCN के साथ आता है, मतलब मेरे हिसाब से A का तो चौथा हो गया। चलो चलो चलो, एस्टर अल्कोहल के साथ आता है, बी का तीसरा, अरे बस करो, आंसर 2, ए का चौथा बी का तीसरा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन चेकिंग से भी आप कोई बच्चा आंसर निकाल देता है, ए का चौथा बी का तीसरा। शिफ्ट बेस के साथ अगर करते हो, शिफ्ट बेस का साथ करते हो तो सी का 2 आ रहा होगा, क्योंकि शिफ्ट बेस में कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अगर अमीन से रिएक्ट करता है तो शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सिन के लिए क्या कहोगे, ऑक्सिन के लिए तो NH2 वे जाएगा, बिल्कुल स्मार्टली मार्क करो 2 आंसर। बढ़े आगे, चलो बिल्कुल यार, टाइम वेस्ट नहीं करना, वैसे भी थके होगे सुबह से, होता है यार मेंटल स्ट्रेस होता है, सबको टेंशन होती है, पेपर में क्या हुआ, पूरे दिन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आगे ठीक, चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। डायमंड sp3, ग्रेफाइट sp2, बोथ डायमंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज अ डाई लुब्रिकेंट, यार सिंपल सी बात है, डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ग्रेफाइट कैसा होता है, sp2, हर एक को पता है, डायमंड में FCC अरेंजमेंट होता है, CCP अरेंजमेंट होता है, और साथ में हाफ ऑल्टरनेट TV ऑक्यूपाइड होते हैं। डायमंड के अगर स्ट्रक्चर को देखते हो तो sp3 हाइब्रिडाइज, ये देखा ना बचपन में, सबने देखा होगा, हमने देखा, तुमने देखा, सबने देखा, इस तरीके का sp3 हाइब्रिडाइज। और जो ग्रेफाइट का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक, और शीट वाला अरेंजमेंट होता है sp2, आंसर 1। ओके, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ रहे हैं, पेपर क्विक करेंगे, क्योंकि वैसे भी आपको आंसर पे ज्यादा इंटरेस्ट होगा। चलो, द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ द 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट एंड 0.01 मोलर एसिड, बताओगे कौन सा क्वेश्चन है, बताओगे, आयनिक का क्वेश्चन है, बफर का, हेंडरसन एसेलबैक इक्वेशन लग रही होगी, नोट्स में क्वेश्चन मिल जाएगा, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। चलो pKa कितना आया, 4.57 प्लस लॉग 0.1 अपॉन 0.01 10 10 10 10 10 10, 5.57 आंसर, थर्ड इज द आंसर, ठीक। चलो चलो ओके, चलो नेक्स्ट।
आगे चलो आगे बढ़े। सर डर लग रहा है NEET 23 नीट एग्जाम। अरे आप अभी आए हो यार, आप क्यों डर रहे हो? अभी तो आए हो यार, अभी तो खेल शुरू हुआ है। गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। गैडोलिनियम जानते हो? जीडी, जीडी एटमिक नंबर होता है 64 में तीसरे आयनेशन एंथैल्पी की बात की जाए, कभी भी लॉजिक लगाना, तीसरा एनेशन एंथैल्पी बहुत कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। आंसर चौथा, यानी 68 का चौथा आंसर। ठीक है चलो ओके। अरे आप क्यों डर रहे हो? अभी 23 के स्टूडेंट हो यार, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई आपके बैच में, तो आपको क्यों डरना है? डरने वाली बात क्या यार, जब हमें इन वन मोलर सोल्यूशन, अभी तो पढ़ाई शुरू की हो ना, टेंशन ना। इन द वन मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सल्यूट, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा यार? मोलैलिटी गिवन है आपको, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आंसर 0.5 केजी, 0.5 केजी मतलब 500 ग्राम। आंसर 500 ग्राम। ठीक है चलो ओके नेक्स्ट। उसके बाद 70, चलो 70th। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, जरा स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ते ही बच्चा आंसर दे देगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर हायर, पहला शब्द हायर पे ध्यान देना, देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपेरेबल मास बिकॉज ऑफ द वीक फोर्सेज। भाई साहब हायर भी बोल रहे हो और वीक फोर्सेज भी बोल रहे हो, ड्यू बिकॉज ऑफ वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब हायर भी बोल रहे हो, उधर बोल रहे हो वीक फोर्सेज, हाई है क्योंकि वीक फोर्सेज है, गलत, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। The boiling point of aldehyde ketone are lower than the alcohol of similar masses due to absence of hydrogen bonding. ये बिल्कुल सही है। तो statement 1 हो गया incorrect, statement 2 correct, यानी 70 का option हो गया 2. 2 is the option. 70 का 2. चलो next next next. आगे बढ़ गया 71. ठीक 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 ठीक. चलो 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 आगे. At 298 Kelvin, the standard electron potential of Cu2+/Cu, Zn2+/Zn, Fe2+/Fe, and Ag+/Ag are इतना 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 इतना. On the basis of standard electrode potential, कौन सी reaction occur नहीं कर सकती? कौन सी reaction occur नहीं कर सकती? तो ध्यान रखना, जिसका E naught Rp जितना ज़्यादा होगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे इसका 0.80 है, ये 0.30 है, तो सिल्वर कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सेकंड इज द आंसर। चलो ओके यहाँ पर नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पे बात करते हैं, 72 पे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा आपसे बोला गया ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ध्यान से अगर देखो इस वाले पार्ट पे, कोई कमेंट्स में कोई डाउट नहीं? हाँ फाउंडेशन को टेंशन की बात नहीं यार। चलो हाँ यहाँ पर तो अगर देखो तो KOH से पहचान लगी, KOH यार CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। KOH CO2 यानी C का 1 होगा, C का 1, KO2 C, बस C का 1। और जो सीजियम है वो फोटोइलेक्ट्रिक सेल में है, D का 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो लिथियम है वो लिथियम की अगर बात करते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और सोडियम होगा कूलेंट इन द फास्ट बीटर रिएक्टर, ऑप्शन नंबर 2 ऐसा ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो जो Na है वो बीटर की तरह यूज हो रहा होता है, लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज हो रहा होगा, काम खत्म स्ट्रेट अवे। चलो 72 के बाद ये देखो यार, ये क्वेश्चन तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सेट क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर आपको मैच करना है, यानी इस पार्ट में आपको मैच करना है क्या पार्ट जाएगा। तो एंटासिड की अगर बात कर रहे होते हो तो एंटासिड के लिए आ जाएगा ये वाला पार्ट सिल्डेन, एंटीस्टमीन में आता है सिमेटिडीन, यानी ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, और जो एनलगैसिक है वो सेल्वरेसन है, और जो एंटी माइक्रोबियल है और वो मॉर्फिन है। आंसर 2 पार्ट इज द आंसर,
टू पार्ट इज द आंसर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट 74 की अगर बात कर रहे हो, 74 की अगर बात कर रहे हो तो आर एम जी एक्स की रिएक्शन सी ओ टू के साथ कराओगे. आर माइनस एम जी एक्स प्लस सी ओ टू पे अटैक कराओगे, सी पे प्लस ओ पे माइनस, नेगेटिव पार्ट इधर, बहुत अच्छे से ओ माइनस एम जी एक्स पे आया प्लस. थर्ड इज द आंसर, थर्ड इज द आंसर, ये रहा थर्ड, थर्ड इज द आंसर. ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं. 75 क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हो तो क्या ऑप्शन जाएगा. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक को असर्शन और अगले को बोल रखा है रीजन. आई सेल इज मोर रिएक्टिव देन आई टू. अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. बाई इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड आई टू से मोर रिएक्टिव है. एन सी आर टी पे क्वेश्चन है. आई सेल बॉन्ड इज वीकर, यानी आप 75th वाले क्वेश्चन में आप क्या कहोगे कि ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी 75 का ऑप्शन हो गया थर्ड, थर्ड इज द ऑप्शन. ओके भाई साहब, मैं जो हमसे तीनों पढ़ रहे थे, तीनों फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वो बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि नन ऑफ द क्वेश्चन अभी तक आपके नोट से बाहर होगा यार, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहे होते हैं यार. तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कायरलिटी इनैंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑन ईच अदर. ओके, ध्यान से सुनना, इनैंशियोमर आर सुपर इम्पोजिबल. सुपर नहीं होते हैं वो, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल. तो आंसर, आंसर देख के ही आ गया, इनैंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑन ईच अदर. 76 का वन. चलो नेक्स्ट, मैच लिस्ट के साथ अगर चलते हैं तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा. अगर हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं तो इस वाले पार्ट पे मूव करते हैं. चलो फटाफट देखते हैं बेटा, एम जी एच टू क्या होगा. एम जी एच टू यहाँ पर आप कहोगे एम जी एच टू इज रिच, एम जी एच टू इज रिच, एम जी एच टू इज आयनिक, एम जी एच टू इज आयनिक. बी टू एच सिक्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ओके ओके ओके, यानी ए का गया फोर. ओके, जर्मेनियम कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है, चार बॉन्ड बनाता है, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने हैं. तो ये चला गया वन, खत्म खत्म खत्म. यानी ए का आ रहा होगा फोर, हम ऐसे लिख रहे हैं ए का आ रहा फोर, बी का आ रहा वन, सी का आ रहा है सेकेंड, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो गया थर्ड. चलो इतना पार्ट सबको समझ में आ गया. ओके आगे मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके बाद एंजाइम्स पे. यार ये क्वेश्चन तो आप लोगों का गलत हो ही नहीं सकता. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम्स आर, एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक. ये तो सही है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, सही है. ये एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर सकता है, बिल्कुल सही. तो एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड, ये वाला पार्ट. चलो बोल रखा है विच आर द फॉलोइंग पी वी कर्व मैक्स डिपेंडेंट मैक्सिमम वर्क डन. पी वी मैक्सिमम वर्क कहाँ आएगा, मैक्सिमम वर्क वहाँ आएगा जहाँ वर्क एरिया अंडर कर्व ज़्यादा होगा. मैक्सिमम वर्क डन वहाँ होगा जहाँ एरिया अंडर कर्व ज़्यादा होगा. ये देख रहे हो एरिया अंडर कर्व, भाई साहब एरिया अंडर कर्व देख रहे हो. ये आंसर, आंसर यानी आप ये कहोगे मैक्सिमम वर्क डन वहाँ आएगा, मैक्सिमम वर्क डन वहाँ आएगा जहाँ एरिया अंडर कर्व ज़्यादा होगा. चलो आओ आगे क्वेश्चन पे. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, फटाफट देखो. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज अ असर्शन, अदर इज लेबल्ड एज अ रीजन. इन अ पर्टिकुलर पॉइंट इफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन बिफोर फ्यू ऑफ इट्स कैटायन आर मिसिंग. ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये सही है असर्शन. मिसिंग बोल रखा है, ध्यान रखना मिसिंग, मिसिंग मिसिंग का मतलब शॉर्टकी होगा. मिसिंग का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है. यहाँ पे बोल सकते हो एनायन, एक तरीके से एक्स्ट्रा एनायन बोल सकते हो या कैटायनिक वैकेंसी बोल सकते हो. ठीक है, इन द आयनिक सॉलिड यहाँ पे मिसिंग है तो एक्स्ट्रा यहाँ पे एनायनिक वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी बोल सकते हो. इन आयनिक सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ आयन फ्रॉम द लैटिस पोजीशन टू द इंटरस्टीशियल. यार ये फ्रेंकल दे रखा है वो मिसिंग वाला पार्ट है. ये होता है स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड में, वो होते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड में. तो कहानी अलग अलग है, आर इसका आंसर हो ही नहीं सकता. यानी आप ये कह सकते हो ए और आर बिल्कुल सही है, लेकिन आर ए का आंसर नहीं है. R is not the answer. यानी 80th का आ रहा होगा 4. ठीक है चलो ओके नेक्स्ट 81. जर्डाल मेथड इज यूज फॉर द एस्टिमेशन
ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. ध्यान रखना जितने भी एजो कंपाउंड होते हैं वहाँ जल डाल नहीं यूज़ कर सकते, नाइट्रो ग्रुप पे नहीं यूज़ कर सकते, और रिंग में नाइट्रोजन फंस गया तो नहीं यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पर कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराओगे दिक्कत आ जाएगी. यानी आंसर सिर्फ कौन सा, वन, वन इज द आंसर जिसमें आप यूज़ कर सकते हो. चलो नेक्स्ट 82. इनमें से कौन सूटेबल है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कौन सूटेबल है, सिंपल सा बेंजीन से आप रिएक्शन कराओ Cl2FeCl3. आंसर चलो नेक्स्ट 83. गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, गिवन ग्राफ एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन का. तो आप हमको ये बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या ग्राफ, यही आना है ग्राफ, यही आना है. तो ये ग्राफ कौन सा होगा, तो पहला जीरो ऑर्डर के है तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ की रेट वर्सेस टाइम ग्राफ. तो ये ध्यान रखो पहला पार्ट पे, पहले पार्ट पे अगर यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखो तो ये है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन. ओके, और फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, यानी मेरे हिसाब से आंसर फर्स्ट हुआ, क्योंकि ये ग्राफ अगर देखते हो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन तो जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन की पावर जीरो, ये बिल्कुल सही है. और यहाँ टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 बाई के है, ये भी सही है. तो जीरो ऑर्डर वाई रेट है, एक्स कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर पे टी हाफ है और एक्स यहाँ पे कंसंट्रेशन. ओके, यानी 83 वाले पार्ट पे आप कहोगे 83 वाले पार्ट पे वन इज द आंसर. चलो नेक्स्ट 84th. Identify the incorrect statement from the following. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, ये रहा क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा यहाँ पर, ये आपको देखना है 84 में. इन एन एटम ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट. शेप आपको दे रखी है सिमिलर, और d² - y² d z² की शेप्स होती है सिमिलर. ऑल द 5d, आंसर सिंपल दिखाई पड़ रहा होगा, d² - y² और d z² की शेप सिमिलर नहीं होती भाई, नहीं होती. किसने कह दिया शेप सिमिलर होती है, ये देखिए एक ये गया और यहाँ पर ये गया, तो ये है d² - y² और ये गया dz², यानी आंसर 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 कौन सा, ये वाला पार्ट. ठीक है चलो आगे आया व्हाट मास, ये वाला पार्ट, व्हाट मास ऑफ 95% ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ इतना. यार 50 ml का मतलब नंबर ऑफ मिलीमोल, समझिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स, 50 ml ऑफ का मतलब नंबर ऑफ मिलीमोल्स. सिंपल सा क्वेश्चन, 50 × 0.5. अगर रिएक्शन को देखते हो तो आप ये कहोगे कि 1 mole कैल्शियम कार्बोनेट कितना रिक्वायर करता है, 2 mole HCl करता है. तो उल्टा लिख दो, 2 mole HCl के लिए 1 mole कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक तरीके से कह सकते हो 50 × 0.5 के लिए, 50 × 0.5 मोल के लिए, मिलीमोल्स हैं, मिलीमोल्स के लिए, तो 1/2 × 0.5 × 50 इतने आ रहे होंगे मिलीमोल्स. सबको समझ में आ गया, पहला काम बताओ कैल्शियम कार्बोनेट के ये मिलीमोल्स आ गए सबको समझ में. अब इसका फॉर्मूला निकालना है, तो इसके मोल्स कितने होंगे, तो 1/2 × 0.5 × 50 मोल्स में कन्वर्ट करोगे इज इक्वल टू W/100. और ये जो W है वो किसी मिक्सचर का 95% है. सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आ रही होगी 1.32, ऑप्शन चौथा, चौथा इसका ऑप्शन है, चौथा करेक्ट ऑप्शन है. क्लियर, स्टोशियोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट 86 क्वेश्चन, 3O2 विल गिव 2O3 द अबव रिएक्शन की आपको गिवन है, ये 3×10⁻¹⁵ O3 और O2 0.04 का होल क्यूब. यार हमारे हिसाब से क्लियर कट आंसर सबको दिखाई पड़ जाएगा, अब तो आप कर ही लेंगे, कोई इसमें डाउट ही नहीं होगा. आप यहाँ पर O3 का स्क्वायर करो 0.04 के हिसाब से, आराम से क्लियर कट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. 86 के बाद 87. चलो कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन दे रहा है, था फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है, ठीक है, और 2-methyl propanol
ये रहा पार्ट, सी एच सी एच थ्री खत्म। और यू पी एस सी के हिसाब से चलो, थ्री मेथिल ब्यूट वन इन आंसर, 87 का थर्ड, 87 का थर्ड। यार ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट 88th, इनमें से कौन एसीटोन की रिएक्शन कराओगे 2-pentanone के साथ डाइल्यूट NaOH एल्डोल है। यार सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं बनेगा। आइए फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, पेंटनोन 2, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो H माइग्रेट इधर कर दो, कार्बन कार्बन के साथ दो। टिंग टिरिंग टिंग टिरिंग CH2 OH CH3 CH2 CH2 CH3। यार ये पार्ट समझ में आ गया। अब आप डिहाइड्रेशन फॉलो करोगे, तो डिहाइड्रेशन फॉलो करने का मतलब अल्फा से ये, बीटा से ये, आंसर CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH2 CH3। यार ये सबको समझ में आ गया। एक तो बनेगा ये प्रोडक्ट, एक तो बनेगा ये प्रोडक्ट, ठीक। अब आपसे पूछा गया है कौन सा प्रोडक्ट यहाँ बन ही नहीं सकता। आइए जरा देखिए कौन सा प्रोडक्ट यहाँ बन नहीं सकता। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन द एसीटोन, पहला काम एसीटोन का इस पर रिएक्ट करके बना दिया। क्या कोई ये आंसर है, ये आंसर है कहीं, देखें कि नॉट बोल रखा है, नॉट में अगर देखें क्या ये कहीं ऑप्शन है, सी एच थ्री टक 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 है, मतलब थर्ड बन रहा है, ठीक थर्ड बन रहा है। अभी और देखते हैं, तो बन रहा है सर, यस सर थर्ड बन रहा है। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं सर। अब मान लीजिए हम पेंटनोन से अटैक करा रहे होते एसिडिक एच निकाल के, तब क्या करते, तभी तो आंसर आता। बिल्कुल इसका एसिडिक एच अगर अटैक कराओगे आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओ एच सी एच टू सी एच थ्री ओ एच। चलो अब बताओ ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ सर ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये वाले पार्ट पे अगर मूव ऑन करते हो, पानी निकाल दो, पानी निकाल दो, तो आंसर सी एस थ्री सी ओ सी 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 एच टू सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी खत्म। अब तो कर लेंगे ये अप्रोच। तो आपको यहाँ पे ये करना था, आपको यहाँ पे ये करना था। अब बताओ ये वाला प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बस इसी हिसाब से आप चेकआउट कर लोगे कौन सा इसमें करेगा कौन सा इसमें नहीं कर रहा होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, सिंपल सा पार्ट है, के इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए है 2.303 / t log, स्टार्टिंग में दे रखा है 0. पहले दे रखा था 0.1 0.001, तो ये गया नीचे आया 10, ऊपर जाएगा 1000, 100 चला गया, तो 2.303 / 5 log 100 मतलब 2 हो गया खत्म। 2.303 × 2 यानी 4.606 अपॉन आ रहा होगा 5, आराम से आंसर निकाल लेंगे इतने में। कोई डाउट, ओके कर लेंगे पार्ट, ये रहा पार्ट, सिंपल सा पार्ट कदम। 2.303 अपॉन यहाँ पे दे रखा है रेट कांस्टेंट आपको निकालना है, टाइम दे रखा है 5, ऊपर दे रखा था 0.1 और नीचे हो गया 0.001। 0.1 डालोगे 10 आएगा, ऊपर जाओगे तो ऊपर आ जाएगा 1000, ऊपर आएगा 100, log 100 हुआ 2, तो 2.303 यानी आप कह सकते हो 2.303 × 2 / 5 0.9212 आंसर फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट आ गया 90th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स इन ल्यूकस रिएजेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, गलत, लीस्ट रिएक्टिव होता है, यानी स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही कदम। चलो नेक्स्ट, ओके अब यार अब तक कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, अभी तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यहां पर।
ठीक, चलो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैच लिस्ट, हेमेटाइट होगा Fe2O3, कैलामाइन होगा ZnCO3, बस ऑप्शन यहीं से चेक कर लो। ए का आ रहा होगा 3, ओके। मैग्नेटाइट होगा Fe3O4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2, डी का हो गया 4, यानी ए का आ रहा होगा 3, ए का आर मैं लिख दे रहा हूँ, ए का ऑप्शन आ रहा होगा 3, बी का आ रहा होगा 1, सी का आ रहा होगा 2, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, कदम 4, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, चलो नेक्स्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन। द करेक्ट IUPAC नेम, इनमें से किस IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, IUPAC नेम आपको बताना है यहाँ पर इन कंपाउंड से। तो अगर आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग यहाँ पे आप राइट से कर रहे होगे, बिल्कुल सही है, 1 ब्रोमो के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, और राइट से लेफ्ट से करते हैं 1, 2, 3, 4। हम लोग का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये PFG, इसका चलेगा सफिक्स, बाकी सबका चलेगा प्रीफिक्स। नाम देखो बस सिंपल सा, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन 3 ऑल, खत्म। 92 का 3, चलो आगे मूव करते हैं। 92 के 3 के बाद अब इस क्वेश्चन में हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया 93 पे। अगर हम लोग से बात की जाए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर यार ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन, चेंज कितने का आ रहा है, चेंज 2 का आ रहा है, लॉग Ni2+ यानी 0.001 अपॉन नीचे दे रखा है सिल्वर Ag+ का होल स्क्वायर आ जाएगा 0.001 का होल स्क्वायर। तो ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 10.5, इतनी बड़ी वैल्यू 10.5, अच्छा माइनस 0.0591/2, यार ये कैंसिल होके लॉग 1 अपॉन ये आ रहा होगा, ऊपर कर दोगे तो ये 1000 चला गया, लॉग 1000 कितना होता है 3, तो ये वैल्यू हो गई 10.5 माइनस 0.0591/2 × 3, यानी इस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर आपको ये लगेगा। पूरा कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया, ये 10.5 इतनी बड़ी वैल्यू ले रखी है यहाँ पर 10.5 के साथ में, अगर यहाँ मूव ऑन करते हो तो हम एक बार सॉल्व करके भी आपको वैल्यू के साथ बता दे रहे हैं क्या वैल्यू आ रही होगी, 0.0591 × 3/2, 0.08, 10.5 माइनस 0.08, तो 110 पॉइंट, ये वाली वैल्यू जरा ध्यान से देखिएगा, 10.5 माइनस 0.08, ये वैल्यू 10.4 के आसपास आ रही, मतलब मेरे हिसाब से इसमें वैल्यू में एक बार चेक करना होगा, क्योंकि ई नॉट सेल 10.5 हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, अगर जो बच्चा इसे अटेम्प्ट कर रहा होगा ग्रेस मार्क्स के लिए तैयार रहे, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू आंसर 10.42 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट का थोड़ा बहुत अंतर हो चुका है, पॉइंट का थोड़ा बहुत अंतर हो चुका है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा, दैट इज अ पार्ट। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट 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 93 के बाद चलो ऑर्डर ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब, यार एक बात बताओ, एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो डेल्टा हो, ये डिपेंड करेगा Hc/λ, यानी सिंपल सी बात करो, जिसका डेल्टा ज़्यादा होगा, डेल्टा यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसका डेल्टा ओ ज़्यादा होगा समझे वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब किसका ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जहाँ पर हमारे पास आप ये कहोगे स्ट्रॉन्गर लिगेंड होंगे वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर अगर आप देखो तो सी सी के बाद ए ए के बाद बी, क्योंकि EN में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं, SFL हैं, यहाँ 2 SFL हैं और यहाँ क्या रहा होगा 1 SFL, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज़्यादा खत्म, वहाँ पर डेल्टा ओ ज़्यादा, वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड भी ज़्यादा, खत्म। चलो नेक्स्ट, द पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट इन पर्टिकुलेट मटेरियल, बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है, पर्टिकुलेट मटेरियल के साथ आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आया सल्फर गेट्स इन्हेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे पर्टिकुलर मैटर हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपके पास सही जा रहा होगा, एनवायरमेंटल का क्वेश्चन है, और अगर हम लोग ऑप्शन वाइज मूव करें तो पर्टिकुलर मैटर बिल्कुल सही है, हाइड्रोकार्बन और साथ में परऑक्साइड, इन सबको देखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि सल्फर के केस में एग्जैक्टली अगर आप मूव करोगे तो क्या पार्ट आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए एनवायरमेंटल वाले पार्ट पे। वेट करो, पानी पी ले जरा एक मिनट बेटा,
सॉल्व कर देते हैं, बैंक से भेजे हैं उनको। चलो ओके आगे मूव करते हैं। इसके बाद 96 क्वेश्चन पे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, कमेंट्स में कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, सीएन का दे रखा है रिडक्शन, यहाँ पे कहोगे CH2NH2 आ जाएगा, यानी 96 वाले क्वेश्चन में आ जाएगा CH2NH2। CH2NH2 उसके बाद कराओगे डायज़ोटाइजेशन N2+Cl-, ठीक, और फिर आ गया पानी, आंसर खत्म। 96 का हो गया सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। चलो द रेडियस ऑफ सेकेंड मोड ऑर्बिट ऑफ HE+ इज 105.8। ठीक है, थैंक्स अ लॉट यार। द रेडियस ऑफ सेकेंड मोड ऑर्बिट ऑफ HE+ इज 105.8 PM। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड मोड ऑर्बिट ऑफ Li2+? जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम तो सीधे ही निकाल सकते हो। R3 = 0.529 × n² / z, वैसे वैल्यू का यूज़ करना था, लेकिन हम चाहें तो वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट पर तो ये कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 158.7 के हिसाब से आ जाएगा एंगस्ट्रॉम पे या पिकोमीटर पे 158.8। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। यानी ये जो सॉल्व करके वैल्यू आ रही होगी 0.529 × 3, ये हमारे एंगस्ट्रॉम हमारे लिए आंसर होगा। 0.529 × 3 एंगस्ट्रॉम होगा, उसके पिकोमीटर में चेंज कर लेना। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर, अगर आप बात कर रहे हो पिकोमीटर में, तो 10 की पावर यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम 10^-10 होता है और एक पिकोमीटर 10^-12 मीटर होता है। अच्छा, इन द न्यूट्रल और द फेंटली एल्कलाइन मीडियम KNO4 ऑक्सीडाइज आयोडाइन इंटू आयोडेट। बेटा न्यूट्रल फेल आपको दे रखा है, एल्कलाइन फेंटली एल्कलाइन, एक कोड याद रखना ABN, और ABN में 513 कोड होता है। 513 का मतलब 3 का चेंज आना चाहिए, 3 का चेंज मतलब +7 से +4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 99 क्वेश्चन। द कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन द FCC सेल, यहाँ पे एजलन दे रखी है, FCC मतलब हो गया Z=4, खत्म से क्वेश्चन था। Z बराबर चार ए गिवन है हम लोग को, डेंसिटी आपको पूछा, कैलकुलेट द मास, तो D = Z × m / Na × aq, खत्म। सॉल्व करके लगभग 63.1 के आसपास आंसर आएगा, आपको आपको Z दे रखा है 4, डेंसिटी आपको दे रखी है 8.92। ये तो पेन भी नहीं चलाना चाहिए था यार, इसमें Z हो गया 4, मास 63.5 के आसपास होता ही है, Na आपको पता है, A की वैल्यू 3.6 × 10^-8³। लास्ट क्वेश्चन, चलो इन अ 100 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 64 ग्राम प्रेशर कितना होगा? PV = nRT, प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम 10 लीटर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स 64 ग्राम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 64/32, कितना हो गया 2, 2 × 0.0831 × 300, खत्म। यानी P की वैल्यू इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही होगी वो अपना आंसर है। एक बार मैं भी सॉल्व कर ले रहा हूँ वैल्यू के साथ, 2 × 0.0831 × 30, 4.9 आंसर, 100 आंसर, खत्म। सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हम लोगों ने, ओके बेटा, तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा होगा, सारे क्वेश्चन डिस्कशन हो चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। तो यार मेरे हिसाब से जितने भी स्टूडेंट जो हमसे तीनों पढ़ रहे थे अब तक, वो ये कहेंगे कि यार पेपर पूरा नोट्स है, मेजॉरिटी क्राउड है जो स्कोर अच्छा कर रही है, होप सो फॉर द ऑफिशियल आंसर की, एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें अपनी आसान रहेंगी। तो यार मेरा तो यही मानना है कि नोट्स को फॉलो करते रहिए, जिन्होंने PC यहाँ पे या PC फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों को पढ़ के रखा होगा, ज़बरदस्त स्कोर कर रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ तो नोट्स से ही है। तो डू फॉलो द नोट्स एंड डू ज्वाइन द ओमेगा, थैंक्स अ लॉट।